आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के सहायक निदेशक कल्पेश गुप्ता आज तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका पुष्कर और राजकीय चिकित्सालय पुष्कर का मौका मुआयना किया और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े विभिन्न रिकॉर्ड्स का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वर्तमान में चल रहे पंजीकरण के कार्यों पर संतोष जाहिर किया। पुष्कर अस्पताल में निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रमुख छाया कालरा, राधेश्याम कटीक सहित स्टाफ मौजूद रहा। रिकॉर्ड अच्छी तरह मेंटेन है, जितने जन्म यहाँ पर हो रहे हैं उनके प्रमाण पत्र ये जारी कर रहे हैं। हमने इनको ये निर्देश दिया है कि जन्म के जब जन्म का डिस्चार्ज हो, यानी महिला को डिस्चार्ज किया जाए, तो डिस्चार्ज के समय ही उसका बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उनको उपलब्ध करवाया जाए। रिकॉर्ड इनका प्रॉपर मेंटेन है। इस अस्पताल में पिछले जनवरी से अब तक कोई मृत्यु की घटना नहीं हुई है। हमने इनको ये भी कहा है कि अगर मृत्यु की घटना होती है तो उसके मरने का कारण का प्रमाण पत्र भी उनको जारी करें, जिससे कि रिकॉर्ड में रहे, क्योंकि कोरोना के समय हमने ये देखा है कि मृत्यु के कारण के आधार पर ही कंपनसेशन वगैरह जारी हुए थे। तो हमने यही कहा है कि यदि मृत्यु की घटना होती है तो उसके कारण का प्रमाण पत्र भी ये जारी करें। इसके अलावा नगर पालिका में निरीक्षण, नगर पालिका में मैंने निरीक्षण किया है, वहाँ भी सही तरीके से पंजीकरण किए जा रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में सब रजिस्ट्रार जो है 21 दिन के अंदर ही प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। इसके उपरांत अगर कोई घटना घटित होती है तो ये रिकॉर्ड नगर पालिका को भिजवाते हैं और वो उनको प्रमाण पत्र जारी समय से करते हैं। सर, प्राइवेट अस्पताल में जन्म पंजीकरण नहीं हो पाते, बहुत सी जगह उनमें कुछ समस्या आती है, वहाँ की देखिए नियम के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों को जो उनकी जन्म या मृत्यु की घटनाएँ हैं उसका रिकॉर्ड पहचान पोर्टल के माध्यम से उनको लॉगिन दिया गया है। वो वहाँ के जो संबंधित रजिस्ट्रार हैं नगर पालिका या यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वो उनको सूचना उपलब्ध कराते हैं, फॉर्म भर करके वहाँ जमा कराएंगे और नगर निगम जो है नगर पालिका नगर निगम या ग्राम विकास अधिकारी जो भी सक्षम अधिकारी है वो उनका प्रमाण पत्र जारी करते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में ये सुविधा नियमतः उपलब्ध नहीं करवाई जाती, उनको इन्फॉर्मेंट है, वो सूचना प्रदाता है, वो सूचना लेट देते हैं सूचना तो वो नहीं पता पंजीकरण। देखिए उसके लिए हमने रजिस्ट्रार को यहाँ पाबंद किया है कि वो सारे प्राइवेट अस्पताल जो भी उनके क्षेत्र में आते हैं उनको लेटर जारी करें और समय से उनसे सूचना जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी इन्होंने निर्देश भी दिए हैं यहाँ के BSO ने कि उनको 7 दिन या के अंतराल पर सभी सूचनाएं उनसे लें जो भी घटनाएं। अभी जो निरीक्षण किया गया उसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो ठीक पाया गया और कुछ एक निर्देश दिए गए हैं वो पूरे किए गए आने वाले समय।